आज फिक्की फ्लो के सदस्य हैं, गुरु नानक देव अस्पताल पहुंचे हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने एक टैब दी है जो पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच एक पुल का काम करेगी, संपर्क बनाए रखेगी। हमारे साथ हैं फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन मीता मेहरा। मीता मेहरा जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा बताएंगे आज क्या आप ये मन में क्यों आया और क्यों इसकी जरूरत पड़ी थी? थैंक यू, नमस्कार। ये DC सर एंड ADC सर की एक सोच थी जो हमारे साथ उन्होंने बात की और हमने इसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। 3 टैबलेट्स, डिजिटल टैबलेट्स दी गई हैं यहाँ हॉस्पिटल में, जिससे कोविड पेशेंट्स अपने अटेंडेंट्स और अपने डॉक्टर्स के साथ बात कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे और अपनी बातें उनसे शेयर कर पाएंगे। सो इनके लिए यही बहुत अच्छा रहेगा कि जो मिल नहीं पा रहे किसी को, एटलीस्ट वो उनको देख पाएंगे, उनके लिए यही बहुत बड़ी खुशी होगी। आई थिंक आने वाले दिनों में ये टैब्स 3 क्या लगती है, सफिशिएंट है या कुछ टैब बढ़ाई जाएंगी? यहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहेगी कि और ज़रूरत है, हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत खैरा जी, उनसे भी बात करेंगे आखिरकार इन टैब्स की क्यों ज़रूरत पड़ी। डॉक्टर सर, थोड़ा बताएंगे जी ये टैब्स की क्यों ज़रूरत पड़ी जी? इस तरह जी, पिछले 4 महीने तो क्योंकि जी ये पेंडेमिक की लड़ाई चल रही है, आप देख रहे हैं चैलेंजेस वक् वक् तरह के हर तरीके के सामने आ रहे हैं। कभी तो खाने लैके रहन सहन तो लैके साइकोलॉजिकली पेशेंट्स कई बार जोड़ा है महसूस करते हैं कि भी असी परिवार तो दूर हो गए और इस बीमारी की मजबूरी है कि सानू उन्होंने बाकियों नालों दूर रखना पैना हैगा। तो यह महसूस हुण कीता गया सी कि जिहड़े उपर पेशेंट्स हैगे ने, चाहे उन्होंने दवाई मिल रही है, डॉक्टर्स मिल रहे हैं, लेकिन कितना कितने दो पार्ट है, एक परिवारिक संपर्क तो दूसरी काउंसलिंग। इन्हां दो चीज़ों का जिहड़ा गैप सीगा वह कितना कितने सानू खल रहा सी भी इस गैप नू किस तरीके नाल पूरा करिए, बाय कीपिंग जिहड़ा मैडिकल एडवाइस इन माइंड कि भी वह दूरी भी रहे। उहदे लई फिर आपां पता है कि हुण टैलीकॉन्फ्रेंसिंग दी फैसिलिटी हैगी है, वो ये टेबलेट्स करके इन एक्सपैरीमेंट ही समझ लो कि एक्सपैरीमेंट कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये जिस तरह हुण जो गलबात चलेगी तो यदा जे होर नंबर वधाउण दी लोड़ पई तो वह भी असीं रिक्वेस्ट इन्हां नूं जां होर संस्था नूं कर लवांगे। बट इट इज़ वर्किंग वैरी वैल जी, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा DC साहब, थोड़ा जिवें कोरोना दे पेशेंट बहुत वध रहे हैं, गुरु नानक देव हॉस्पिटल नो डाउट कि सरकार अच्छा काम कर रही है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल कुछ लोग जाना चाहते हैं सर, उन्हां च नंबर ऑफ बैड वधाए जाण, उन्हूं लैके सर कोई एज ए डिप्टी कमिश्नर तुसीं कोई ऑर्डर पास या कुछ कोई प्लान इस तरह का इशू कर रहे हो जी? देखो जी, पहली गल जिहड़ी है प्राइवेट गवर्नमेंट, आपां जिहड़े जो पेंडेमिक का पीरियड है ना जी, उदों मैडिकल फैसिलिटी दे सारे दरवाजे खुले होने चाहिए ने, चाहे वह सरकारी है चाहे वह गैर सरकारी है। लेकिन कितना कितने गैर सरकारी दे विच साढ़े ध्यान च आ रहा है कि गैर सरकारी जिहड़े हैगे ने, क्योंकि वह नॉर्मल OPD भी कर रहे दूसरे पेशेंट्स की, और कोविड के जिहड़े पेशेंट्स है वह घट लै रहे ने या नहीं लै रहे, उहदे उन्हां दा पक्ष यह है कि जो कोविड के पेशेंट लेंदे ने, तो कई बार की है जिथे कोविड का पेशेंट चल जाता है तो उन्हां दी दूजी OPD जिहड़ी है अफेक्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी सरकार वालों, मेरे प्रेडिसेसर DC साहब वालों, मैडिकल कॉलेज के प्रिंसीपल साहबान वालों और ADC साहब ने मीटिंग करके सारे प्राइवेट हस्पतालों के नाल गलबात कर ली है और उन्होंने एश्योरेंस दी है कि जेडे भी उन्होंने को बैड है उन्होंने जिन्ने बैड अलग कर सकते सी भी उन्होंने एंट्री होवे एग्जिट अलग होवे उन्ने बैड उन्होंने प्रिंसीपल साहबान ऑफर भी करते हैं। और यह भी है भी जे कितने लोड़ पई खुदा ना खास्ता तो जिन्ने लोड बैड की होएगी वो देंगे जी। सो इस करके यदि कोई फिक्र वाली गल नहीं है कि अपने को बैड कट जाएंगे, इस तरह की कोई गल नहीं है। डी साहब, एज पर अवर नॉलेज 3 हॉस्पिटल या 4 हॉस्पिटल ने जोड़े जी कोविड के पेशेंट्स लै रहे हैं सर, कोई इस तरह की प्लानिंग है भी जिन्ने पेशेंट्स वास्ते बैड जिन्हें भी हॉस्पिटल ने देने वो बाहर अपने उन्होंने डिस्प्ले करना पेगा भी इन्ने बैड असं कोविड पेशेंट वास्ते रख रहे हैं जी? पब्लिकली असी अपनी वैबसाइट पर या वो पब्लिकली जिन्हें सानू दिते ने ऑलरेडी असं अपने शायद पोर्टल के उत्ते डोमेन च है, आई विल चैक दैट, नहीं है तो वो तो एक सार्वजनिक चीज़ है जी। और बाकी मैं एश्योर करना चाहना जी, अंडर द एपीडेमिक एक्ट कोई भी संस्था कोई हस्पताल जे प्रशासन नू लोक हित च लोड़ पैंदी है ना जी, दैट फैसिलिटी कैन बी रेकोजिशन, दैट कैन बी यूटिलाइज बाय एन ऑर्डर ऑलसो। इस करके सानू किसी किस्म की जिथे पब्लिक का हित आना ना जी, जो बैड की लोड़ पैनी है बहुत छोटिया चीज़ा ने भी बैड नहीं मिलेगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। ये 4 महीने मैडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी प्रिपेयर होकर उस पद्धर से आ चुकी ने। लास्ट क्वेश्चन इज सर, जिम्मे मेरीटोरी स्कूल एसिम्टोमैटिक पेशेंट्स जाएंगे सर, की कोई उस क्योंकि बहुत बड़ी जगह जी उत्थे सर प्लान किया जा सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, जो मैंने पता चलिया जी एक एडमिनिस्ट्रेशन सर एक सुझाव भी भेजा कि अभी अपना स्टाफ उत्थे दे दें तो कोविड सेंटर से देता जाए
बिल्कुल जी, जे साडे सिम्पटोमैटिक जिस तरह नूं असीं आइसोलेशन वार्ड च एमरजेंसी च कन्वर्ट करना पिया ते IMA या प्राइवेट हॉस्पिटल सानूं उत्थे मैडिकल फैसिलिटी दे देणगे। साडे जिहड़े प्रिंसीपल साहिबान ने साडी मैडिकल दी टीम है उन्हां दी गाइडेंस दे नाल जिहड़ी भी स्पेस होगी वी कैन ओपन फॉर दैट जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू जी। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं डॉक्टर राजीव, जो इनसे बात करेंगे कि इनसे क्या ये जो टैब्स मिली हैं इसका क्या फ़ायदा होगा। देखिए, ये जो टैब मिली है इसको हम कह रहे हैं कि पेशेंट अटेंडेंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। सो पहला की सीगा कि देर वॉज ए गैप बिटवीन द कंटैक्ट ऑफ द जेडे अटेंडेंट है उन्हों का अपने पेशेंट से नाल मिलन च, क्योंकि नेचुरली उन्होंने आइसोलेशन च रखा जाता है। सो उन्हां दीयां जरूरतां नूं ध्यान च रखते हुए ये साढ़े ख्याल च आया कि इस तरह का एक सिस्टम शुरू किया जाए। असी एक टैब जिहड़ी एक स्पैशल एक रूम है उत्थे डेजिगनेट करांगे, जिथे एक फिक्स टाइम रखांगे उत्थे अटेंडेंट आके अपने जिहड़े भी वो उन्होंने पता हुंदा पेशेंट किहड़ी वार्ड च है उहदे नाल वह अपना दसणगे। असी वो टैब उत्थे पहुँचावांगे जिहड़ी अंदर वाली है ते उन्हां नाल आपस च उन्हां दा राबता हो जाएगा। उहदे नाल उन्हां च एक कॉन्फिडेंस लैवल बिल्डिंग आएगी, एक फेस टू फेस उहदे नाल गल करके एक उन्हां च हौसला वधूगा और एक बहुत सारियां जिहड़ियां अनवांटिड जिहड़ियां अफवाहां हैं उन्हां तों भी आई थिंक काफ़ी हद तक वो निजात पा लेंगे। सो ये बहुत अच्छा एक पहलू होएगा। ये असी एज ए एक एक्सपेरिमेंट तौर पर शुरू किया है और इनू असी जिन्हें भी साढ़े कोविड नंबर ऑफ कोविड वार्ड्स है या सेंटर है उन्होंने सारे असी इनू एक्सटेंड करांगे। ये थे प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव देवगन, जिन्होंने बताया कि इन टैब्स का काफ़ी फ़ायदा होगा क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर के बीच या उनके परिवार के बीच संपर्क नहीं बन पाता था, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, जिसे लेकर कई तरह की मिसकंसेप्शन हो जाती थी। अब ये टैब्स आ गई हैं, इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा ने भी कहा है कि पेंडेमिक का समय है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो जिला प्रशासन किसी भी प्राइवेट अस्पताल की जो है मदद ले सकता है, वहाँ पर कोविड के मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। और लोग ये बिल्कुल ना समझें कि हमारे पास इंतजाम नहीं है, प्रशासन और सेहत डिपार्टमेंट के पास पूरे पूरे इंतजाम हैं, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अमृतसर से D4 News के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।